अब मुलायम के मास्टर डिंपल को जिताएंगे। शिवपाल मोदी योगी देखते रह जाएंगे। जिसने मुलायम सिंह को राजनीति की एबीसीडी सिखाई, वही गुरु परिवार अब नेताजी की बहू को जिताने मैदान में उतरा। मोदी योगी शिवपाल का सपना टूटना तय। मैनपुरी में होगी डिंपल की विजय। मुलायम सिंह के निधन के बाद खाली हुई मैनपुरी सीट पर पार्टी ने डिंपल यादव को टिकट दिया है। सपा का गढ़ मानी जाने वाली मैनपुरी सीट पर अभी बीजेपी ने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि पार्टी सपा के सामने कोई तगड़ा उम्मीदवार खड़ा कर सकती है जिससे उन्हें चुनौती पेश की जा सके। मैनपुरी उपचुनाव में 5 दिसंबर को वोटिंग होनी है और 8 दिसंबर को नतीजों का ऐलान होगा। मैनपुरी संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत 5 विधानसभा क्षेत्र हैं और 5 में से 2 सीटों पर वर्तमान में अखिलेश यादव और शिवपाल यादव विधायक हैं। इस चुनावी आपाधापी के बीच बीजेपी खेमे को सपा की ओर से एक तगड़ा झटका दिया गया है। मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक गुरु नत्थू सिंह का समूचा परिवार सपा को जितवाने में जान फूंक रहा है। नत्थू के बेटे पूर्व एमएलसी सुभाष चंद्र यादव ने बीते रोज एक टीवी चैनल से बातचीत की। इस दौरान वो बोले कि नेताजी की विरासत और समाजवादी पार्टी के मूल्यों का पालन करते हुए डिंपल यादव क्षेत्र में एक बड़ी जीत हासिल करेंगी। आगे नत्थू के सुपुत्र सुभाष बोले कि मैनपुरी के युवा और जनता हमेशा नेताजी के साथ रहे हैं, इसलिए डिंपल यादव न केवल बहू के रूप में बल्कि उम्मीदवार के रूप में भी जीतेंगी। तो मैनपुरी से पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव भी डिंपल के फुल सपोर्ट में हैं। बीते रोज वो बोले कि यहां की जनता ने हमेशा नेताजी का समर्थन किया है और इस बार डिंपल यादव को उनका पूरा समर्थन मिलेगा। उन्होंने कहा, बीजेपी हर चुनाव में प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग करती है और मैनपुरी में सपा कार्यकर्ताओं और प्रतिनिधियों को धमकाया जा रहा है, लेकिन इनमें से कोई भी हथकंडा सपा की इस पारंपरिक सीट को हिलाने में सफल नहीं हो पाएगा। मैनपुरी संसदीय क्षेत्र के लोगों ने भी इस चुनाव को नेताजी का चुनाव बताया। सैफई, जो कि मुलायम सिंह का पैतृक गांव है, वहां के लोगों का कहना है कि यादव परिवार का कोई भी सदस्य इस सीट से चुनाव लड़ सकता है। जीत मुलायम सिंह के परिवार की ही होगी, क्योंकि उनका मानना है कि उन्होंने क्षेत्र में काफी ज्यादा विकास किया। इस बीच बीजेपी सपा को उसके ही गढ़ में चुनौती देने की पुरजोर कोशिश कर रही है। दिग्गज बीजेपी नेता, मंत्री और मैनपुरी सदर विधायक जयवीर सिंह ने इस बाबत दावा ठोकते हुए कहा है कि नेताजी का युग अब खत्म हो चुका है और मैनपुरी के लोग बीजेपी की जीत के लिए उत्सुक हैं। उधर मैनपुरी चुनाव से पहले राज्य संगठन को भेजी गई संभावित बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट में प्रेम सिंह शाक्य, प्रदीप चौहान, प्रेम पाल, सतीश पाल और रघुराज शाक्य का नाम शामिल है। माना जा रहा है कि जल्द ही पार्टी मैनपुरी सीट से अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर सकती है। लेकिन इस बीच नत्थू सिंह, जिनके चेले खुद नेताजी रह चुके हैं, उनका परिवार जब मैनपुरी में डिंपल के हाथ मजबूत करने उतरा तो बीजेपी नेताओं के मत्थे पर शिकन बढ़ गई। हो भी क्यों ना, बने बनाए तमाम समीकरण ध्वस्त होने की कगार पर जो हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।